नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत झारिया और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल RKJ सिविल पाठशाला में। आज 25 अगस्त 2023 है और आज के न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसके साथ साथ में आज जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल है उनको भी हम यहाँ पर पिकअप करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के न्यूज़पेपर की हम। तो न्यूज़पेपर के स्टार्ट हम करने वाले हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। ठीक है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है जिसको हम वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं, यहाँ से रिलेटेड एक मुद्दा उठा है ब्रिक्स में। ब्रिक्स में दोनों देश सहमत हो गए हैं कि दोनों देश जल्दी से जल्दी डिसएंगेजमेंट करेंगे LAC के ऊपर में। तो जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है एक प्रकार से सीमांकन रेखा है, इसको आप एक काल्पनिक रेखा बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि रियल में हमारी सीमा कौन सी है और चाइना की सीमा कौन सी है। ये भारत नियंत्रित क्षेत्र और चीन नियंत्रित एरिया को एक दूसरे से अलग करती है। LAC की लंबाई की यदि हम बात करें तो भारत LAC की लंबाई 3,488 किलोमीटर मानता है, जबकि चाइना कहता है कि ये मात्र 2,000 किलोमीटर के आसपास है। वहीं यदि हम LAC के विभाजन की बात करें तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के सिक्किम की बात करें तो वो है 1,346 किलोमीटर, इसके बाद उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश के बीच है 545, और पश्चिमी लद्दाख क्षेत्र जो है 1,597 किलोमीटर। ये यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, यदि आप अरुणाचल प्रदेश वाले को कैलकुलेट करें, सिक्किम वाले दोनों को जोड़ दें तो 1,327 किलोमीटर निकलेगी। फिर नेपाल आ गया बीच में, ठीक है, नेपाल आ गया बीच में। अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पड़ रहे हैं, ये मिडल सेक्टर है, 554 किलोमीटर दोनों को जोड़ देंगे तो। इसके बाद आ जाता है वेस्टर्न सेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है। तो वेस्टर्न सेक्टर जो है 2,176 किलोमीटर का है, और यहाँ पर इस एरिया की यदि हम बात करें तो वो है 520 किलोमीटर वाला एरिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है भारत और चाइना के बीच में 4,057 किलोमीटर की टोटल लेंथ दिखाई गई है। पूर्वी सेक्टर में LAC का संरेखण वर्ष 1914 की मैकमोहन रेखा के रूप के समरूप ही है। ये साल 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। LAC का जो मध्य क्षेत्र है सबसे कम विवादित है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र दोनों पक्षों के बीच में सबसे ज्यादा विवाद वाला कारण रहा है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और डिस्कस करते हैं न्यूज़ को। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मिस्टर मोदी और जी जिनपिंग दोनों जो है स्पीडी डिसइंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए हैं LOC के साथ साथ में। PM ने मीटिंग किया था चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ में ऑन द साइड लाइन ऑफ ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट के अलावा अलग से इन्होंने जी जिनपिंग के साथ में मुलाकात करी और LAC के ऊपर बातचीत किया। मोदी सेज रिस्पेक्टिंग द LAC इज ए मस्ट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। दिस इज देयर फर्स्ट सच कन्वर्सेशन ऑन द सेकेंड ऑफ सॉरी स्टैंड ऑफ। तो जब से चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है उसके बाद से देखा जाए तो पहली इस किस्म की बातचीत डायरेक्ट फेस टू फेस हुई है चाइना और इंडिया के बीच में। तो कुल मिलाकर के भारत का कहना है कि LAC का रिस्पेक्ट दोनों देशों को करना चाहिए, और यदि दोनों देशों को रिस्पेक्ट करना है तो सब अपनी अपनी जगह में रहें। कुल मिलाकर के अभी डिसएंगेजमेंट और होना बाकी है, तो भारत भी पीछे हटेगा और चाइना की सेना भी पीछे हटने वाली है। तो इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ है ये साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का जो समिट होता है हर साल आयोजित किया जाता है, और इसकी जो अध्यक्षता रहती है वो इसके नाम के सीक्वेंस के आधार पर रहती है। जैसे कि यदि हम ब्रिक्स नाम ले रहे हैं तो इसमें सबसे पहले बी आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं BRICS। इस बार यदि साउथ अफ्रीका ने अध्यक्षता किया है तो अगली जो अध्यक्षता रहेगी 2024 की वो किसके पास चले जाएगी, ब्राजील के पास चले जाएगी। 2024
22 की अध्यक्षता किसने किया था? चाइना ने किया था। चाइना के पहले इंडिया ने किया, फिर रसिया किया, फिर ब्राज़ील किया। तो कुल मिलाकर के ब्रिक्स में जो है 5 कंट्रीज हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो पूरी दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए इस हिसाब से। इसके साथ साथ में जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स ग्रुप है, इसको और कैसे करके पावरफुल बनाया जाए, तो इसके लिए इसके एक्सपांसन की बात करी जा रही है। मतलब अभी इसके 5 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इनको और अधिक विस्तार करने की बात करी जाती है यहाँ पर। इसके बाद हम सीधे चलते हैं आरटीआई एक्ट की तरफ और देख लेते हैं आरटीआई एक्ट से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ आई। तो सबसे पहले हम आरटीआई एक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले आरटीआई कानून बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार आरटीआई कानून को और भी ज़्यादा कमज़ोर करना चाहती है। कुल मिलाकर के जो आरटीआई कानून आया है, इसके माध्यम से सरकार कहीं पर यदि घोटाला कर रही है, कोई ऑफिसर यदि कोई घोटाला कर रहा है, आपके यहाँ पर कितना फंड आया है, कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी आप आरटीआई एक्ट के माध्यम से मांग सकते हैं, खंगाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए आरटीआई एक्ट से भी आज के टाइम में ना ऑफिसर्स लोग बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरी एकदम घालमेल वाली खबरें देते हैं, एकदम क्लियर चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए ना, जैसे कि यदि आपने कोई एग्जाम दिया है, ठीक है, आपने कोई एग्जाम दिया है, तो आपका ये अधिकार है कि आपको कितने नंबर मिले। पहले नंबर की चीज़ ये आप पता करेंगे। दूसरे नंबर की बात जो है, कट ऑफ कितने में गया। यदि आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि मैं एससी में आता हूँ और मुझे इतने नंबर मिले हैं, और बाकी का जो अदर एससी वाले लोग हैं उनको इतने नंबर मिले लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया। इस प्रकार की यदि अगर खबर यदि आप पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी जो है आप यदि आरटीआई लगाएंगे ना, तो कभी कभी आपको एकदम क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। बस आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतने नंबर मिले थे, और ना ही किसी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि कितने नंबर में हमने लड़कों का सिलेक्शन किया है। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम अभी भी कंडक्ट होते हैं। जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले यदि हम बात करें एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसी प्रकार की घटना यहाँ पर घटी हुई थी। कुल मिलाकर के आरटीआई एक्ट को जो है कमज़ोर किया गया था। कैसे कमज़ोर किया गया था? आरटीआई एक्ट में कुछ संशोधन करने की बात करी गई थी, जिसके अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, इनका जो पे है, इसके अलावा जो इनको अलाउंसेस दिया जाना है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाने की बात करी जाती है। ये लोग क्या काम करते हैं, करेंटली इलेक्शन कमिश्नर के बराबर में सैलरी पाते हैं। द मूव हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द एक्टिविटी हु सेड इट विल अफेक्ट इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द ट्रांसपेरेंसी पैनल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन ने पावर गेन किया था जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया था 1948 में, जो कि प्रोवाइड करता है प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू सीक, रिसीव इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर। कुल मिलाकर के इंटरनेशनल लेवल पर जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया, जिसको एडॉप्ट किया गया था 1948 में, इसी समय में हमारे देश में भी ये चर्चा उठ पड़ी थी कि हमें भी ऐसा कानून चाहिए जिसके माध्यम से हम जो है इंफॉर्मेशन मांग सकें सरकार से। इसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 आया। ये कहता है कि एवरीवन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, मैं किसी से कुछ पूछ सकता हूँ, जवाब मांग सकता हूँ। द फ्रीडम टू सीक एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ऑफ ऑल काइंड। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, मैं उसको मांग सकता हूँ 1966 के इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड है।
वहीं यदि हम भारत में जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसकी बात करें तो इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत साल 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसको हम बोलते हैं कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। सदस्य की बात करें, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त रहता है और 10 से भी अधिक इसमें सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। क्या कहा गया है देखिए, इसमें तो एक व्यक्ति है जो कि हेड है, मुख्य सूचना आयुक्त है। इसके अलावा 10 इसके मेंबर रहेंगे। मेंबर का मतलब ये है हम उनको भी सूचना आयुक्त बोल रहे हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नियुक्ति की बात करें, इनको राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो जिस प्रकार से सूचना का अधिकार के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करी जा रही, ठीक इसी प्रकार का पैटर्न जो है केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के जो चुनाव कमिश्नर हैं उनके सिलेक्शन के लिए भी इसी प्रकार का फॉर्मूला दिया था। उन्होंने क्या काम किया, CGI को हटा दिया और CGI की जगह में क्या बोला कि जो है प्रधानमंत्री एक अपनी तरफ से कैबिनेट बिठाएगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें चुनाव आयोग के मुखिया का सिलेक्शन कैसे करके होगा, इसके लिए नाम कौन सुझाएगा, तो इसमें एक तो प्रधानमंत्री बैठता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बैठता है और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री, तीन व्यक्ति। ठीक यही फॉर्मूला सरकार ने कही थी कि हम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लेकर के लिए लेकर के आने वाले हैं। कार्यकाल की बात यदि हम करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक या फिर 65 साल की उम्र तक रह सकते हैं। दूसरी नंबर की बात यह है, यदि आप एक बार बन गए हैं तो दोबारा आपको फिर नहीं बनाया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले हम देखते हैं कि RTI का जो पोर्टल है यहाँ से बहुत सारी जानकारी जो है मिस हो गई है। कुल मिलाकर के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकती है जो कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। आने वाले चुनाव को देखते हुए हो सकता है सरकार ने इसको हटा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। द मिसिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फ्रॉम सेवरल ईयर्स विल बी रिस्टोर्ड ऑन द यूनियन गवर्नमेंट्स RTO ऑनलाइन पोर्टल। आज से 2 साल पहले यदि किसी ने आवेदन लगाया था तो उसकी जानकारी सरकार ने पोर्टल पर रखी थी, लेकिन सरकार क्या काम कर सकती है, इसको हटा भी सकती है। हटाने का मकसद क्या होता है, जानकारी लोगों तक पहुंच ना पाए। द वेबसाइट सेड इन ए मैसेज ऑन थर्सडे आफ्टर द हिंदू, क्योंकि ये द हिंदू की ही खबर थी, हम जो है कल इसको नहीं डिस्कस कर पाए थे। कल की ये न्यूज़ आई थी कि इसमें जो है बहुत सारी जो RTI की वेबसाइट है वहाँ से बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो हटा दिए गए हैं या फिर उनको मिस्ड कर दिया गया है। सरकार का कहना है, ड्यू टू मेंटेनेंस एक्टिविटी आर्काइवल डाटा विल बी अवेलेबल सून, द पोर्टल सेड इन ए न्यू मैसेज ऑन इट्स वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट में एक मैसेज डाल दिया गया है कि भाई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसके बाद जो आर्काइवल डाटा है वो बहुत जल्दी अवेलेबल रहेगा इस वेबसाइट में। ये जो है पहला एग्जांपल नहीं है या पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ये जो है थर्ड टाइम है रिसेंट मंथ में यदि देखा जाए दैट द पोर्टल हैज़ गॉन इनटू मेंटेनेंस मोड विदाउट ऑफरिंग एनी न्यू फीचर। आप कोई नया फीचर ला ही नहीं रहे हैं और बस बोलते जा रहे हैं कि हम मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं इसलिए सूचना को जो है अभी हमने हटा दिए हैं। इस साइट में रिक्वायर्ड है वेरी लिटिल इंटरनेट बैंडविड्थ टू सर्व यूज़र। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा इंटरनेट बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है लोगों तक सूचनाएँ प्रोवाइड करने के लिए। ऑन ए टिपिकल मार्च वीकडे द मैक्सिमम डाटा लोड ऑन RTI ऑनलाइन वॉज 8 MBPS अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑब्टेंड बाई द हिंदू। कुल मिलाकर के देखा जाए तो साइट में ओवरलोड बढ़ रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है।
इसके बाद वाली जो खबर हम देखने वाले हैं वो राजस्थान से आई है। यहाँ पर बताया जाता है कि राजस्थान आने वाले टाइम में 2025 तक राजस्थान को टीबी से मुक्त कर देगा। इसके लिए वो कंटिन्यू प्रयास कर रहा है। राजस्थान जो है ट्यूबरकुलोसिस से फ्री हो जाएगा 2025 तक। इसके लिए सस्टेंड एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के द्वारा, ऐसा कहना चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का ऑन थर्सडे। मिस्टर गहलोत ने फाउंडेशन स्टोन डाला था एक नया मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का। इसके साथ साथ में बहुत सारी जो 70 न्यू एम्बुलेंसेस हैं इनको फ्लैग ऑफ किया, शुरुआत करी एक प्रोग्राम के माध्यम से। वाइल रिट्रिएटिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस इन रिमोट एरियाज। इसके अलावा उनका कहना है कि सरकार रिट्रिएटिंग कर रही, मतलब दोहरा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि हम जो है रूरल एरियाज में भी, रिमोट एरियाज में भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। राजस्थान है 6% ऑफ द कंट्रीज टीबी पेशेंट। राजस्थान के पास में पूरे देश में जितने भी पेशेंट हैं उसका 6% भार है। एंड दे वर बीइंग आइडेंटिफाइड फॉर ट्रीटमेंट एट द विलेज पंचायत लेवल, ऐसा मिस्टर गहलोत का कहना है। तो सरकार क्या है, जमीनी लेवल पर तक काम करना चाहती है, ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों का टीबी का इलाज किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का कहना है कि 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे स्टेट के उनको हमने सिल्वर मेडल प्रोवाइड करे हैं, इसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं एक्सलेंट काम करने के मामले में ट्यूबरकुलोसिस के इरेडिक्शन में 2022 में। ये इस बात को बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट है कि हम जो डील कर रहे हैं इस डिसीज से और कंटिन्यूस हम इफोर्ट कर रहे हैं, वर बीइंग मेड टू मेक राजस्थान द लीडिंग स्टेट इन ऑल सेक्टर, ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं ब्रिक्स की तरफ फिर से और एक बार फिर से देख लेते हैं कि ब्रिक्स के अंतर्गत जो बैठक हुई है उसमें और कौन कौन सी न्यू कंट्रीज जुड़ गई हैं। ब्रिक्स आज के टाइम में एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग के तौर पर उभर रहा है। यहाँ पर 6 और मेंबर नेशंस जुड़ गए हैं, तो इसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। By doubling its number of members from 5 to 11 in one quick sweep, the BRICS grouping has strengthened its position as a global grouping to be reckoned with. आप देखेंगे कि इसकी जो मेंबर संख्या है वो 5 है, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो 6 मेंबर इसमें और जुड़ गए हैं, तो कुल मिलाकर के पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसकी जो पकड़ है वो और भी ज़्यादा मजबूत रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 5 जो मेजर प्लेयर हैं ये वेस्ट एशियन रीजन से आ जाते हैं, जैसे कि इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके साथ साथ में इथोपिया और जो अर्जेंटीना है ये अफ्रीका से आ जाते हैं, एंड साउथ अमेरिका इज ए सिग्निफिकेंट। एज इट डिनोट ए शिफ्ट इन द नॉन वेस्टर्न इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स अंडरपिनिंग to make it more politically relevant law। कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो ग्रुप बनाए गए हैं उन्हीं को टक्कर देने के हिसाब से ये ग्रुप कितना आगे बढ़ पाएगा ये तो आने वाला टाइम पीरियड ही बताएगा। वहीं यदि हम बात करें ब्रिक्स के जो फाउंडर्स थे, इन्होंने जो है 22 कंट्रीज में से इनका नाम पिकअप किया है जिन्होंने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। इसके साथ साथ में मोर देन 40 इन ऑल दैट हैव इविंस्ड इंटरेस्ट इन द ग्रुप। इसके अलावा 40 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस ग्रुप में अपना और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, अमेरिका और जो यूरोप आइसोलेट करना चाहते हैं रसिया को, वो अब उतना ज़्यादा असरकारक नहीं रहेगा क्योंकि अब ब्रिक्स का भी एक्सपांसन होने लगा है।
इसके बाद हम सीधे चलते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखने लायक है। आरआर मूवी को जो है 6 नेशनल अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ में गंगूबाई काठियावाड़ी को 5 अवार्ड यहाँ पर देखने को मिले हैं। आर माधवन का जो रॉकेट्री है द नाम्बी इफेक्ट इज एडजुड बेस्ट फीचर फिल्म, तो जो नाम्बी इफेक्ट है इसको बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है। सरदार ऊधम सिंह को ऑनर ऑफ द बेस्ट हिंदी फिल्म के तौर पर चुना गया है। इसके साथ साथ में नरगिस दत्त अवार्ड जाता है द कश्मीर फाइल्स को, एंड अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट एंड कृति सेनन को जो है एकोलोडेट के रूप में अवार्ड प्राप्त हुआ है। एकोलोडेट मतलब इनको जो है वाहवाही प्राप्त हुई है। द ज्यूरी फॉर द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड पिक्ड ए स्लीव ऑफ विनर फॉर 2021 फ्रॉम अराउंड 430 एप्लीकेशन ऑन फीचर, नॉन फीचर एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। 430 आवेदन प्राप्त हुए थे 2021 के मूवी अवार्ड के लिए। बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो निखिल महाजन को मिला है, ठीक है, गोदावरी, द होली वाटर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें मेल तो ये मिला है पंकज त्रिपाठी को फॉर मेवी मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें फीमेल में तो पल्लवी जोशी को, मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल। इसके बाद नरगिस दत्त अवार्ड जाता है बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, क्या है, कश्मीर फाइल है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, सोशल इशू के ऊपर जो बनाई गई बेस्ट फिल्म है उसका, उसको क्या अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू है वो है अनुनाद द रेजोनेंस। इसके बाद इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेबट फिल्म डायरेक्टर मिला है विष्णु मोहन को, मेपाडियान मूवी का नाम है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला है बाबिन राबरी को लास्ट फिल्म शो के लिए, चेल्लो शो जिसको बोला जाता। वहीं स्पेशल जूरी अवार्ड की बात करें तो विष्णु वर्धन को शेर शाह के लिए ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद अवार्ड फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होल सम इंटरटेनमेंट, तो RRR को ये अवार्ड मिला है। वहीं यदि हम बात करें बेस्ट एक्टर फीमेल की तो आलिया भट्ट और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इसको मिला है, एंड कृति सेनन को मिला है मिमी मूवी के लिए। इसके बाद रॉकेटरी को भी बेस्ट फीचर फिल्म बनी है ये, और आ जाती है फिर बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ, और जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है केंद्र सरकार अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका सिलेक्शन करती है, और फिर ये जो चुनाव आयुक्त हैं सरकार के हिसाब से काम करते हैं, वो फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव नहीं करा पाते हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर। इसी के तारतम्य में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन का किया और कहा कि नहीं, चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन है, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करेगा। इसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, इसके लिए एक तो प्रधानमंत्री बैठेंगे, एक तो रहेगा अपोजिशन पार्टी का लीडर रहेगा, इसके साथ साथ में इसमें CGI बैठेंगे। ये तीन लोग मिलकर के बताएंगे कि किनको जो है हमें अगला चुनाव आयुक्त बनाना है, ये बात रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन यहाँ पर सरकार ने थोड़ा सा गेम खेल लिया, केंद्र सरकार ने क्या काम करी, CGI को यहाँ से हटा दी, CGI को यहाँ से हटा दी और कहा कि CGI के बदले में हमारा एक कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बैठेगा। अब यदि ये लोग किसी भी मुद्दे के ऊपर वोटिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और ये मंत्री दोनों की राय एक सी ही रहेगी। अपोजिशन का जो लीडर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को हम यहाँ पर बैठा दिए, तो उसका तो वोट एक ही रहेगा, उसकी तो कोई राय का मतलब ही नहीं रहा। फिर भारत निर्वाचन आयोग की बात करें, ठीक, जिसको हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है
जब संविधान हमारा बना उस टाइम में ही संविधान में इसका उल्लेख था। ये हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लेवल पर चुनाव कराने का काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसको हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो सचिवालय है नई दिल्ली में स्थित है। किनका किनका चुनाव कराता है? ये लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य की विधानसभा का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। लेकिन आप ये कहें कि ग्राम पंचायत का चुनाव भी करवाओ, नगर पालिका का भी चुनाव करवाओ, तो ये काम ये नहीं करता है। इसके लिए सरकार ने राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करी है। संवैधानिक प्रावधान के लिए हम बात करें तो भारत का संविधान का भाग 15, ठीक है, यदि आप भाग 15 में जाते हैं तो आर्टिकल 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक कहता है कि चुनाव यदि करवाना है तो इसके लिए चुनाव आयोग होना चाहिए। 324 कहता है कि चुनाव की हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, दिशा निर्देश कौन करेगा, कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं मतदाता सूची में शामिल करने से, ठीक है, और इनके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि तुम वोट नहीं डालोगे तुम मुस्लिम हो। आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। वयस्क मताधिकार मतलब जिसकी उम्र 18 साल की है और जिसका नाम वोटर आईडी में दर्ज है। आर्टिकल 327 विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की पावर देता है संसद को। आर्टिकल 328 ऐसे विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 329 चुनावी मामले में अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ईसीआई की संरचना के लिए हम बात करें तो इसमें देखिए, शुरू में एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था, अब लेकिन काम का बोझ बढ़ गया तो क्या काम किया गया, इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है और अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं, इनको राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, ठीक है, वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आज के टाइम में देखा जाए एक मुखिया है और दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। वहीं यदि हम बात करें राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को सहायता करने के लिए एक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा मदद की जाती है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। इसके साथ साथ में नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति सीईसी मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है, तो सीईसी का भी नियुक्ति करेगा। इसके अलावा जो दो ठो हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इनका कार्यकाल 6 साल का रहता है, ठीक है, या फिर 65 साल तक की उम्र तक ये रहेगा। तो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो जो डिस्कशन हमारा आधारित है, केंद्र सरकार की तरफ से एक विधेयक पारित किया गया है जिसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023, नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023, अभी राज्यसभा में सरकार की तरफ से पेश किया गया था। इसमें केंद्र सरकार ने क्या काम करी है, सरकार कह रही है कि हम ये विधेयक लाए हैं तो इससे चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, प्राइम मिनिस्टर है उस कमेटी में, दूसरा है विपक्ष का लीडर, ठीक है, विपक्ष का लीडर, इसके अलावा तीसरा जो व्यक्ति है वो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री ने उसको यहाँ पर बिठाया। तो तीन लोग मिलकर के चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन करने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ मंत्री नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल उसके विपरीत में यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के बचाव किया जाता है सुप्रीम को, सरकार के तरफ से पक्ष रखा जाता है कि नहीं, ये जो कदम उठाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से वो सही उठाया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अब तक आपने जो है इस प्रकार की कमेटी का गठन क्यों नहीं किया है। अब
उन्होंने केवल ये कहा था कि इसमें ये मेंबर हो सकते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं कहा था कि ये ही होना चाहिए। इसलिए शायद केंद्र सरकार का मूड बदल गया और सोचा क्यों यहाँ पर क्यों CGI बैठेगा, हम हमारा आदमी को बिठाएंगे जो कि चुनाव आयुक्त कल सिलेक्शन करेगा या फिर नियुक्ति के लिए सुझाव देगा या फिर वोट डालेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार को आरोप लगाया जा रहा है कि विधेयक में CGI के स्थान पर कैबिनेट मंत्री को बिठाने से पता चल रहा है कि सरकार चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये हो गया है, आपने जो कमेटी बनाई है, पैनल बनाई है, इसमें सत्तारूढ़ व्यवस्था के दो सदस्य हो गए, एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा हो गया कैबिनेट मंत्री। तो इससे क्या पैनल का जो कामकाज है वो प्रभावित हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा ये नहीं था कि चयन समिति में कौन कौन होने चाहिए, उनने तो ये कहा था कि आपने वादे के मुताबिक संविधान में बताए अनुसार कानून नहीं बनाया। न्यायालय ने क्या कहा था, आप एक कानून बनाइए, हमारा सुझाया गया पैनल CEC और EC का चयन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि आप एक कानून बनाइए, कानून लेकर के आइए, और जब तक आपका कानून नहीं बना है तब तक जो है हमारा पैनल ही बताएगा कि किसको क्या बनाना है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, या फिर कुल मिलाकर के जजमेंट के माध्यम से चीज़ें होने वाली थी। लेकिन सरकार ने क्या काम करी है, अक्षर का पालन तो ज़रूर कर रहा है ना, वर्ड टू वर्ड आप पालन तो कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मूल भावना थी उसका केंद्र सरकार ने पालन नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये पूछी जाती है, क्या अभी तक आपको ऐसा लगा है कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के इशारे पर नाच रहा है? जुलाई 2017 में एक अन्य फैसले में जब कोई कानून नहीं था और कार्यपालिका CEC और EC की नियुक्ति कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ने CEC और EC की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हमको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि देखो भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उतना ज़्यादा सरकार के तटस्थ नहीं रहा है, सरकार की बात हमेशा मानते ही नहीं रहा है। जैसे कि सुकुमार सेन की बात करें, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव कराया था, विभाजन के कारण पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग आए और हमें जो है मतदाता सूची तैयार करनी पड़ी है, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि तब तक भारत सरकार की मतदाता सूची में लगभग 4 करोड़ मतदाता ही हुआ करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद 17 करोड़ लोग हो गए। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद, साक्षरता का लेवल कम था, इसके बावजूद हमने जो है चुनाव बहुत अच्छे तरीके से कराए। अंग्रेजों ने तो कहा था कि सरकार ने जो सार्वभौमिक मताधिकार दिया है ना, इससे भारत ने अपना खुद का विनाश कर लिया है। इसके बाद TNCS आए, उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया। तो कानून पारित होने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कोई आशंका है तो वो क्या काम कर सकती है, वो इसकी समीक्षा करेगी, ठीक है। इसलिए राइटर का कहना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक बात यहाँ पर और कही जाती है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी सैलरी कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, पहले तो क्या हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हुआ करती थी, अब कैसे ये कह रहे हैं कि सचिव के बराबर मिलेगी? क्या इसका मतलब ये हो गया कि CEC का पद जो है डाउनग्रेड किया जा रहा है? लेकिन देखा जाए ना तो राइटर का कहना है, भाई देखो, आप इसको पद से तुलना कर सकते हैं भले ही, लेकिन पैसा तो उतना ही मिल रहा है, इसलिए शायद सरकार ने ऐसा बोल दिया, ऐसा राइटर का कहना है।
इसके बाद यदि हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर के पास कार्यकाल की समान सुरक्षा नहीं है, ठीक है, तो क्या इसमें कोई व्यवस्था करी गई है? जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास में तो ये व्यवस्था रहती है कि यदि आप बन गए हैं, आपको पद मिल गया है, तो जैसे आप जज को हटाते हैं उसी प्रावधान के तहत ही हमको हटा पाएंगे। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान प्रक्रिया से ही आप हटा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के पास कार्यकाल की ऐसी समान सुरक्षा नहीं है। सीईसी सिफारिश करता है, इसके बाद इनको हटाया जाता है। क्या इस विधेयक में इस पर कोई प्रावधान है? ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि ईसी में भी सीईसी या सुप्रीम कोर्ट जज के समान ही हटाने की प्रक्रिया होगी। मतलब अच्छी बात ये कह दी गई है कि आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी हटाओगे तो वैसे ही हटाओगे जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाते हो। तो ये इसके कुछ जो है सकारात्मक प्रावधान है। लेकिन राइटर का कहना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जो है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 324 खंड 5 में कहा गया है कि सीईसी और ईसी की सेवा की शर्तें संसद द्वारा अधिनियमित की जाएंगी। मतलब सीईसी को हटाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के समान होगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीईसी की सिफारिश पर दोनों ईसी को हटाया जा सकता है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल रहते हैं बनाए गए हैं उनको मेडिकल कॉलेज के तौर पर चेंज करने को लेकर के हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज स्थापित करी जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में ये कोशिश की जा रही है कि एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए, तो ये एक पॉपुलर पॉलिसी रिस्पॉन्स हो सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारे यहाँ पर रियल प्रॉब्लम मौजूद है, जैसे कि इनएडिक्वेट प्रोविजनिंग ऑफ सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर, इसके ऊपर ये पर्दा डाल देगा। अब आप कह रहे हैं कि हम हर जिला में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, तो हर जिला में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने से आपका जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है जिला लेवल पर जो आपने हॉस्पिटल बनाए हैं, क्या वो इसकी कमी को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर वो इसके ऊपर पर्दा डाल देगा, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अभी आप देखेंगे केरला की एक वुमेन है जिसके पेट में एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट छूट गया था ऑपरेशन करने के दौरान में। 5 साल पहले की ये घटना है और ये वो महिला है जिसके पेट का ऑपरेशन हुआ था, और पेट के ऑपरेशन के दौरान में कुछ जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है छूट गए थे। इसके बाद ये महिला जो है पेट दर्द से परेशान हो गई थी। तो इस प्रकार से जब हमारे हॉस्पिटल में ऐसी गलतियां हो रही हैं और दूसरा आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने चाहिए, और बात ये केरला की है जो कि लीडिंग मेडिकल कॉलेज माना जाता है केरला का, ऐसे स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है हमारे देश में। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है वैकेंसीज जो है तेजी के साथ में बढ़ रही हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्सेज की डेंटल कॉलेज में अक्रॉस कंट्री में। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो कि क्वेश्चन उठाती हैं कि कितना हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, कितना पोटेंशियल मेडिकल कॉलेज के पास में मौजूद है कि वो काम अच्छे से कर सके। यूनियन गवर्नमेंट कन्वर्ट करना चाहती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेजेस में। इसके लिए पॉलिसी प्रपोजल आया था 2019 में यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ में इसमें सैंक्शन किया जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को लाइक इंस्टीट्यूशंस इन एवरी स्टेट। इसके साथ साथ में हर स्टेट में आपको एम्स जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएंगी। लेकिन इस चीज से जो मेडिकल कॉलेज का कंट्रीब्यूशन है पेशेंट केयर में कितना है, पब्लिक हेल्थ के परस्पेक्टिव में इसका क्या असर पड़ेगा, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन है।
मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज एक ऐसी संस्था है जो कि डुअल पर्पस से स्थापित करी जाती है। पहले नंबर की बात यह है, लोगों को एजुकेट करने का काम करती है, एजुकेशन देगी, ट्रेनिंग देगी स्टूडेंट को ताकि मेडिकल प्रोफेशनल वो बन सकें। इसके लिए टीचिंग और अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। अब जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम रहता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आप पहली बार हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं, पहली बार पेशेंट को देखेंगे, डॉक्टर को देखेंगे, गोली दवाई इंजेक्शन इनका सामना करते हैं, पहली बार आप प्रैक्टिकल करते हैं अप्रेंटिस के माध्यम से। वहीं यदि हम सेकेंडरी पर्पस की बात करें तो वो है मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। हैंस पॉपुलेशन नॉर्म वाज नेवर ए कंसर्न व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ए मेडिकल कॉलेज। और इसलिए हम कहते हैं यदि कहीं पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है तो पॉपुलेशन का क्या नॉर्म होना चाहिए, कम हो, ज़्यादा हो, कितनी हो, तब जाकर के हम मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। इससे उसका उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसके अलावा देखा जाए ना तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पेशेंट हैं यदि कोई सीरियस इलनेस है कैन अवेल सर्विस फ्रॉम मेडिकल कॉलेजेस एनी टाइम व्हेन दे हैव रेफरल फ्रॉम द लोअर लेवल फैसिलिटीज़। गांव के किसी हॉस्पिटल में कोई महिला इलाज कराने गई है, अब कंडीशन उसकी ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो वो क्या काम करेगा, वो भेज देगा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। कॉलेज यदि खुलता है तो कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। इट इज़ द पोटेंशियल रियल इस्टेट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम नियर मेडिकल कॉलेज। जहां पर मेडिकल कॉलेज बन गया है उसके आसपास में आप बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होते हुए देख लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो रियल इस्टेट है वो तेजी के साथ में बढ़ता है। किसी ने दुकान खोल लिया, किसी ने घर बना लिया, कोई किराए से दे रहा है। इसके अलावा With nurturing of false security and hope that chances of children living there getting a medical seat will also increase. अब एक हमारे मन में बात ये भी आती है कि नहीं मेडिकल कॉलेज खुला है तो शायद मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि सीट बढ़ गई है। इसके अलावा producing more medical professional, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे, ज़्यादा डॉक्टर बन करके वो बाहर निकलेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हैं ही, मगर जो मेन चीज़ है वो है हेल्थ केयर को लेकर के। लेकिन यहाँ पर हमें जो है एक अलग ही पिक्चर दिखाई देती है। यदि हम क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे सबूतों का, एक्सपीरियंस का, मेडिकल कॉलेज के अराउंड में एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अराउंड में, देयर कंट्रीब्यूशन टू पीपल्स हेल्थ केयर प्रेजेंट ए डिफरेंट पिक्चर। लेकिन ये लोगों के हेल्थ केयर के मामले में एक अलग ही पिक्चर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जो है आपको बार बार सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम के बारे में उल्लेख आएगा, टर्सरी मेडिकल सिस्टम के बारे में उल्लेख आएगा। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। प्राइमरी हम किसको बोलते हैं, प्राइमरी मेडिकल सिस्टम के अंतर्गत आपको कुछ बीमारी हो गई है, आपको इंजरी हो गई है, कहीं पर एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम है, तो रेफरल वाली सुविधाएँ हैं, ये सारी सुविधाएँ प्राइमरी हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगी। फिर आते हैं सेकेंडरी हॉस्पिटल, इसके अंतर्गत जो है स्पेशलिस्ट रहते हैं स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज हेल्थ इशू को लेकर के, जैसे कि हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया, हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गया। फिर बात आ जाती है टर्सरी वाले सेक्टर की, टर्सरी में रिक्वायरमेंट रहती है हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टाइज की, जैसे कि यहाँ पर मशीनें कुछ रखी हुई हैं, इन मशीनों को चलाना है इसके लिए हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की ज़रूरत की, तो जैसे कि हम ऊपर देखें टर्सरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आधुनिकतम मशीनें हैं, मतलब आपको जो नई नई किस्म की बीमारी हो रही है उसका इलाज यदि करवाना है तो आपको टर्सरी वाले सेक्टर, टर्सरी वाली मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसी जो सुविधाएँ हैं वो लगभग 1% लोगों को ही ज़रूरत पड़ती हैं साल में। इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी 570 से 700 स्पेशलाइज्ड बेड्स की।
सो फॉर ए डिस्ट्रिक्ट विद ए पॉपुलेशन ऑफ 3 मिलियन दिस वुड मीन ए बेड रिक्वायरमेंट ऑफ 570 से 700 स्पेशलाइज बेड्स इफ वी कंसिडर 100% से 85% बेड ऑक्यूपेंसी। हमको लग रहा है कि यहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कम से कम आपको 575 से 700 जो है स्पेशलाइज बेड्स बनाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनसे ये आशा करी जाती है कि आप इस ज़रूरत को पूरा करें अपने टर्शरी केयर सेक्टर के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वो मल्टीपल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, रेफरल सिस्टम नहीं है, वो यहाँ से वहाँ कहीं रेफर नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ पार्टली ड्यू टू नॉन फंक्शनल सेकेंडरी लेवल केयर फैसिलिटीज। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो सेकेंडरी लेवल केयर सिस्टम बनाया गया है वो फंक्शन नहीं काम कर रहा। इसके अलावा यहाँ पर हमें ओवरलोड जैसी समस्या देखने को मिल जाती है, जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट आ जा रहे हैं, जितने डॉक्टर नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा रोगियों का आना जाना यहाँ पर हो रहा है। हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह से काम कर रहे हैं वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे कि क्राउडिंग ऑफ पेशेंट इन नीड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर विच कुड अदरवाइज हैव बीन हैंडल्ड बाय द लोअर लेवल फैसिलिटीज़। अब यदि मुझे सुविधा मेरे गांव में ही मिल जाती तो मैं इस मेडिकल कॉलेज तक नहीं आता, मेरे जैसे और भी सारे लोग हैं जा रहे हैं, और ये कुल मिलाकर के क्राउडिंग वाली समस्या यहाँ पर हमको देखने को मिल जा रही है। इसके बाद सेकंड नंबर पर यदि हम बात करें, आप यदि मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट करा भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा आप 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि भाई मैं यहाँ पर ठीक ही हो जाऊँगा। तो 80% ऑफ द केसेस 80% से भी ज़्यादा केसेस ऐसे हैं दैट आर ट्रीटेड इन मेडिकल कॉलेज डू नॉट रियली वारंट ट्रीटमेंट अंडर द टर्शरी स्पेशलिटी केयर। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूडेड हैं एनी हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम से। मोस्ट जो सेकेंडरी केयर सिस्टम की ज़रूरत रहती है डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड हैंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। कई सारे रोग ऐसे हैं, हम ही लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे छोटी सी बीमारी का इलाज करवा करके, और हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर के आपको जो है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और आप इस प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से वंचित रह जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें साउथ की, केरला एंड तमिलनाडु, द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इन एड्रेसिंग द क्यूरेटिव केयर नीड ऑफ पीपल इज थ्रू बेटर फंक्शनिंग सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। आप यहाँ पर देखेंगे साउथ के जो राज्य हैं जैसे कि केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है गवर्नमेंट का ताकि क्यूरेटिव केयर की नीड को पूरा किया जा सके लोगों की। इससे जो सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब सरकार यदि स्थापित करना चाहती है मेडिकल कॉलेज तो देखिए इसका मतलब ये है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो डेवलप कर रहा है, ये छवि हमारे मन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर दो ऑब्वियस चैलेंजेस हैं, वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी का। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सीरियस साइडबैक्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो एम्स प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो ये सारी चीज़ों को आज के टाइम में फेस कर रहे हैं। यदि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट करना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में तो आपकी जो प्रायोरिटी शिफ्ट हो जानी चाहिए फ्रॉम ट्रीटमेंट सेंटर टू दैट ऑफ एन एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। अब आप रोगी पर ध्यान नहीं देंगे, आप किस पर ध्यान देंगे, पढ़ाई लिखाई में, रिसर्च सेंटर में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, मतलब पेशेंट की जो प्रायोरिटी है आपकी सेकेंडरी हो जाएगी। एक नुकसान ये भी होने वाला है यदि आप हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में चेंज करते हैं। इसके बाद जो मेन चैलेंज बार बार बताया जा रहा है वो रेफरल की फैसिलिटीज़ का है।